नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय NIOS के इस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के पाठ्यक्रम 504 के माध्यक मीडियन, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, उस पर वार्तालाप करेंगे। तो माध्यक की जो परिभाषा है कि आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त मध्यमान को माध्यक या माध्यिका कहा जाता है। यानी कि हमको सर्वप्रथम आंकड़ों को जो है पहले आरोही या अवरोही, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद उस आंकड़ों के मध्यमान को जो है हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं। माध्यक से तात्पर्य उस मान से है जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है, ताकि आधे प्रेक्षण उसके ऊपर तथा आधे नीचे हों। माध्यक बंटन को दो बराबर आधों में विभक्त करता है। अब पहले केस की तरफ हम जाएंगे कि जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना हम सीखेंगे। इसमें जो है दिए गए आंकड़ों को उनके परिमाण के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के उपरांत मध्य प्रेक्षण के मान को आंकड़ों का माध्यक कहा जाता है। अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और मान लीजिए कि प्रेक्षणों की कुल संख्या n है। अब हमने प्रेक्षणों की कुल संख्या को अगर n मान लिया है तो n या तो सम हो सकता है और n या तो विषम हो सकता है। अब इसमें दो स्थितियां हो गई। तो स्थिति एक में जब हमारा n जो है विषम हो, तो उस केस में उसमें हम जो है माध्यक जो है n प्लस 1 बटे 2वां प्रेक्षण का जो मान होगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा। यानी कि जब हमारा n विषम है तो माध्यक जो है n प्लस 1 बटे 2वें प्रेक्षण की जो वैल्यू यानी जो मान होगा वही हमारा माध्यक होगा। दूसरा जो हमारा केस है उसमें हमारा n जब सम हो, अब n अगर सम होंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर n हमारा सम है तो सम केस में जैसे हमारे पास आंकड़े 2, 3, 1, 5, 7 और 4 है, तो इनको हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो करने पे 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब देखते हैं कि इनकी संख्या 3, 4, 5, 6 है, तो संख्या चूंकि n 6 है, 6 का मतलब है कि ये सम है। तो हम अगर मध्य के पीस जाएंगे तो मध्य हम देख रहे हैं कि ये 3 और 4 दो टर्म हमको दो पद ऐसे मिलेंगे जो मध्य में हैं। फिर हम इन दो पदों का जो है माध्य निकालेंगे, वही हमारा माध्यक होगा। यानी कि जो हमारा माध्यक होगा वो जो है n बाई टू वां पद प्लस n बाई टू प्लस 1वां पद, इन दोनों का जो है हम जब माध्य निकालेंगे यही हमारा माध्यक होगा। और जब हमारा n विषम है तो विषम वाले स्थिति में हम इसी में एक अंक और बढ़ा दिए, 4 के बाद हमने जो है 8 ला दिया, तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 आने पे हम देख सकते हैं कि अब इनकी संख्या जो है n बराबर 7 हो गई, जो कि विषम है। तो विषम वाले स्थिति में हम क्या करेंगे कि 3 इधर से और 3 इधर से जब करेंगे तो एक यही 4 जो है, यानी n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी जो है 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी चौथा जो पद है, यानी 1, 2, 3 ये चौथा पद जो है यही हमारा माध्यक कहलाएगा। तो इस केस में जो हमारा माध्यक हो गया वो 4 हो गया। और ऊपर वाले में जिसमें n 6 था उसमें n बाई 2वां पद यानी कि तीसरा पद और चौथा पद, 4 बटे 2 3 धन 1 चौथा पद, इन दोनों का माध्य, तो तीसरा पद जो है 3 है और चौथा पद 4 था, तो 3 धन 4 का जब माध्य निकालेंगे तो 3.5 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब दोनों स्थितियों में जहाँ पे n सम है और जहाँ पे n विषम है, दोनों में हमने जो है माध्यक की गणना की है। एक और उदाहरण हमारे पास है कि किसी विद्यालय में 10 शिक्षकों की आयु
जो कि वर्षों में है दिया गया है। आयु जो है वो 37 वर्ष, 34 वर्ष, 52 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 41 वर्ष, 31 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष और 55 है। अब उनकी माध्यक आयु ज्ञात करना है, तो हम पहला काम ये करेंगे कि आयुओं को जो है आरोही क्रम में लगा देंगे। आरोही क्रम में लगाने पे हमको 31, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 50, 52 और 55, ये हमने आरोही क्रम में लगाया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आयुओं की संख्या है वो 10 यानी सम है, तो अतः जो बंटन हमारा है उसके मध्य में सम है, तो n बाई टू यानी कि 10/2 पांचवा टर्म, और जो है n बाई टू प्लस 1 यानी छठवां टर्म। पांचवा और छठवां जो टर्म होगा उनका जब हम माध्य निकालेंगे वही हमारा माध्यक होगा। तो जो हमारा पांचवा टर्म है वो 40 है और जो छठवां टर्म है वो 41 है, तो 40 तथा 41 का जब हम मध्य निकालेंगे तो वो हमारा 40.5 आएगा, और यही 40.5 हमारा जो है इस आंकड़े का माध्यक होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रन जो है 95, 40, 2, 55, 10, 38, 33, 22, 0, 18 और 8 हैं, तो माध्यक रन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि हम रनों को अवरोही क्रम में लगाने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे हम रन को चाहे तो आरोही या अवरोही में कर सकते हैं। पिछले उदाहरण में हमने आरोही क्रम में लगाया और इस उदाहरण में हम अवरोही क्रम में कर, जब हम अवरोही क्रम में करेंगे तो 95, 55, 40, 38, 33, 22, 18, 10, 8, 2 और 0, यह अवरोही क्रम में हमारे रन लग गए। अब यहाँ पर जो है आंकड़ों की संख्या जो है वो 11 है यानी विषम है, तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला जो हमारा प्रेक्षण जो मान होगा वही हमारा माध्यक रन होगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो माध्यक रन जो है हमारा जो 11/12 यानी छठवां प्रेक्षण जो है इसमें 22 है, और 22 ही हमारा हो जाएगा माध्यक रन। दूसरा, जब हमारा आंकड़े जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हो, यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना। इसमें जो है किसी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए चरण हैं। पहला चरण क्या है कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग है। संचयी बारंबारता क्या होती है एक बार हम इसको आपको बता दें, तो संचयी बारंबारता जो हमारे बंटन की बारंबारता है, जैसे हमारे पास ये 10, 12, 15, 18, 20 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो 2, 3, 1, 4, 6 है। तो संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं, संचयी बारंबारता में ये 2, फिर 2 × 3 = 5, फिर 5 × 1 = 6, फिर 6 × 4 = 10, फिर 10 × 6 = 16, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम फिर उसकी अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ते जाते हैं, फिर उसको अगली फ्रीक्वेंसी से, और इस प्रकार हमको ये संचयी बारंबारता ज्ञात हुए। इसमें है कि संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग होता है। फिर बारंबारताओं का योग जो है हमारे पूरे आंकड़ों की संख्या को बताएगा, यानी वो पूरा यन को रिप्रेजेंट करेगा। एक उदाहरण जैसे हमने दिया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमने 3 कॉलम बनाया है, एक प्राप्तांक, एक विद्यार्थियों की संख्या, एक जो है संचयी बारंबारता। तो जिसमें हमने प्राप्तांक बताया है, प्राप्तांक में हमारे 15, 17, 18, 20, 22, 25 हैं, और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 6, 5, 10, 8, 7 और 3 है, जिनका योग जो है 39 यानी 39 है। अब जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या जो यह हमारा आवृत्ति है उससे निकालेंगे, तो 6, फिर 6 × 5 = 11, फिर 11 × 10 = 21, 21 × 8 जो है 29, 29 × 7 = 36 और 36 जो है के साथ 3 मिलके 39, यानी ये n के बराबर आ जाएगा।
अब जब हम इसका जो है माध्यक निकालेंगे तो हमारी संख्या 39 हो गई, यानी ये विषम है। और विषम में हमने बताया कि जब हमारी संख्या विषम होगी तो विषम वाली स्थिति में n प्लस वन, यानी जब n हमारा विषम है तो n प्लस वन बाई टूवा पद कौन सा है, तो n प्लस वन टूवा जाएंगे तो 39 धन 1/2 यानी 20वां पद कौन सा है। तो हम जब संचयी बारंबारता में देखेंगे तो जो 21 संचयी बारंबारता में जहां पे 21 लिखा हुआ है उसमें हमारा ये 20 वाला जाएगा, क्योंकि 11 है और 11 के बाद सीधे 21 आ जा रहा है, यानी 20 जो है हमारा उसी 21 वाले में है, और उस 21 वाले का जो प्राप्तांक है वो 18 है। तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माध्यक बराबर 18। तो 18 हमारा यहाँ पे माध्यक हो जाएगा। दूसरा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, यानी कि हमारा जो बारंबारता बंटन है वो वर्गीकृत है, तो उसका माध्यक के लिए हम क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता परिकलित कीजिए तथा उस वर्ग अंतराल का पता लगाइए जिसमें माध्यक स्थित है। इसमें क्या करेंगे कि हम फिर n को ज्ञात करेंगे और n बाई टू एन अगर सम है या विषम है उसके अकॉर्डिंग हम ये ज्ञात करेंगे कि किस वर्ग में हमारा जो है माध्यक या माध्यिका स्थित है। उस कक्षा को, उस वर्ग को हम बोलेंगे कि ये माध्यक की कक्षा है, और उसकी आवृत्ति को जो है हम बोलेंगे कि ये माध्यक कक्षा की आवृत्ति है। अब जो है जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित है उस वर्ग की निचली सीमा को हम LM से प्रदर्शित करेंगे और निर्धारित करेंगे कि LM का क्या मान है। उसके बाद संचयी बारंबारताओं के परिकलन से जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित होगा उसकी सही निचली सीमा से नीचे वाली बारंबारताओं का योग, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित कर रहे हैं, ज्ञात करेंगे। जिस वर्ग में माध्यक स्थित होगा उसकी आवृत्ति को हम FM से प्रदर्शित करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे। अब जो है एक उदाहरण हमने लिया जिसमें 3 कॉलम हैं, प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता। प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल जो है उसमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 है, और विद्यार्थियों की संख्या जो है 1, 3, 8, 15, 10, 9 और 4 है, जिनका टोटल योग जो है 50 है। 50 यानी कि हमारा ये सम है, तो अगर हमारा ये n सम है यानी 50 जो संख्या सम है तो यानी n बाई टूवा पद और n बाई टू प्लस वनवा पद, तो इसमें हम देखेंगे कि 25वां और 26वां पद कहाँ लाई कर रहा है। तो जब हम देखेंगे तो संचयी बारंबारता में 25वां और 26वां जो पद है, जहां संचयी बारंबारता 27 है, 27 है, उसी वर्ग में लाई कर रही है। तो 60 से 70 वाला जो वर्ग हुआ यही हमारा माध्यक कक्षा हुआ। इस कक्षा को जो है हम माध्यक कक्षा बोलेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी आवृत्ति को जो कि 15 है, इसको हम बोलेंगे कि माध्यक कक्षा की आवृत्ति, यानी कि इस कक्षा को जो है हम बोलेंगे माध्यक कक्षा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो 15 है इसको हम बोलेंगे FM। और LM जो है हमारा इसी माध्यक कक्षा का जो है निम्न सीमा, यानी इसको हम बोलेंगे LM, इस 60 को जो हम बोलेंगे LM है। अब जो है किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए जो माध्यक का हमारे पास सूत्र है वो निम्न प्रकार से है, माध्यक बराबर LM यानी कि माध्यक कक्षा की निम्न सीमा प्लस n बाई टू माइनस कैपिटल F। n जो है हमारे आंकड़ों की संख्या हो गई, और n बाई टू माइनस F, F जो है हमारा संचयी बारंबारता उस माध्यक कक्षा के पहुंचने तक जो हमारी संचयी बारंबारता है उसको हम F से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाई FM यानी इस माध्यक कक्षा की जो है आवृत्ति को हम बोलेंगे FM इंटू हाइट, हाइट ऑफ द क्लास, यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी ऊंचाई कितनी है वही अच्छा है। जब हम इस सूत्र में इस उदाहरण को रखेंगे तो LM जो हमारा है वो 60 है, प्लस n बाई टू यानी ये 25 है,
और संचयी बारंबारता जो है हमारी टिल वहां तक जाने में जो है संचयी बारंबारता हमारी 12 है, तो ये 12 हो गया। और हमारा जो एफएम है, एफएम जो हमारा 15 है, यानी कि माध्यक कक्षा जो है हमारी उसकी आवृत्ति जो है 15 है और इसकी ऊंचाई जो है 10 है, इस वर्ग की ऊंचाई जो है 10 है। तो हम फिर जब इसको हल करेंगे तो ये 60 धन ये हो जाएगा 13 गुणे 10 बटे 15, और इसको हल करने के पश्चात जो है हमको मिलेगा 26/3, और जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमको 68.67 ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो माध्यक जो है हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम इस सूत्र से जो है लगा लेंगे। धन्यवाद।